फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सलाद ग्रो करना और उसके बाद हम उसको कैसे छोटे से प्लांटर में सीड ग्रो कर सकते हैं और इसके बाद हम कैसे इनको लगा सकते हैं छोटे छोटे प्लांटर में और उनकी ग्रोथ फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी ग्रोथ होती है। हमारे यहाँ ये सलाद पत्ता बहुत ही महंगा मिलता है। ये मैंने क्या लिया है, ये 50% मैंने गार्डन सॉइल लिया और मैंने लकड़ी का थोड़ा सा बूरा सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए, दोमट करने के लिए, और एग शेल के टुकड़े, चाय की पत्ती, और इसमें मैं काऊ डंग का पानी डालूंगी वाटर के लिए, और उसके बाद मैं एक दो बार इनको मस्टर्ड केक का पानी भी दूंगी ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो और प्लांट्स को गर्मी मिले। तो अब हम इसको ग्रो करते हैं कि कैसे सलाद के बीज को, सीड को हम, आप हमेशा सॉइल में पानी स्प्रिंकल करके, ये सॉरी शावर करके दें ताकि हमारा सीड हिले नहीं, और सीड को आप ऐसे स्प्रिंकल कर दें। ये जनवरी का फर्स्ट वीक है और इसके बाद, और अब हमारे यहाँ धूप भी अच्छी निकलनी शुरू हो गई है तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी जर्मिनेशन कर लेगा हमारा सीड, और उसके बाद हम इसकी देखें कब ग्रोथ होती है छोटे छोटे प्लांट, और उसके बाद हम इनको छोटे छोटे प्लांटर में लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये 4 डेज की ग्रोथ है, आप देख रहे हैं सलाद पत्ते की, और इसके बाद हम और वेट करेंगे क्योंकि ये 6-7 इंच के हो जाएं तब इसके बाद हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। 11-12 डेज की ग्रोथ है जो हमारे सलाद पत्ते ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है क्योंकि अब थोड़ी सी धूप भी निकलनी शुरू हो गई है। फ्रेंड्स, आज हम इनकी रिपोर्टिंग करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने कितनी अच्छी ग्रोथ की है सलाद पत्ते ने, और इनको हम अलग अलग प्लांटर में लगा देंगे। बस इनके लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इनकी जो सॉयल है वो सोगी रहे, उनको ज़्यादा थोड़े से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ना ही ज़्यादा गिल्ला करें आप गारे की तरह, ताकि हमारी जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो गल ना जाए। तो अब हम इसको लगा देंगे ताकि ये अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से करे। आप जब भी इस तरह के प्लांट लगाते हैं तो इनकी रूट्स को केवल दबाना नहीं है, यहाँ तक आप दबा देंगे ताकि ये हमारा जो सलाद पत्ता है वो ऊपर फूल की तरह बन जाए, नहीं तो ये गिर सा जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ तक इसको दबा देंगे और मिट्टी डाल देंगे। वैरायटी की लगाई है, कुछ मेरे पास रोक स्टार है, रोक सलाद और रेड सलाद और केल सलाद, तो उसको उनको मैं अलग अलग से रिपोर्टिंग करूंगी। ये वाला है ग्रीन सलाद जो मैंने पहले लगाया था, वो रॉकेट सलाद था। इनको छोटे छोटे प्लांटरों में लगा दूं। ये हमारे दो, फ्रेंड्स ये मेरे पास जो ग्रीन सलाद है, रॉकेट सलाद और रेड सलाद और केल सलाद, इनको मैं अलग अलग से, अब जैसे यहाँ पे इनके 3 प्लांट्स हैं, इनको मैं अलग अलग कर लूँगी क्यों रूट्स काफ़ी बड़ी हुई हैं इनकी। ये 3 प्लांट है मेरे पास, और इस तरह से जितने भी मेरे पास प्लांट है वो सब मैं ग्रो कर दूँगी अलग अलग पोट में, और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद इसका क्या रिजल्ट निकलता है और ये हमारे छोटे छोटे प्लांटर में कैसे ग्रो होते हैं। अब आप देख रहे हैं कैसी अच्छी रूट्स बनी हुई हैं इनकी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ सलाद पत्ते ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, और वो भी मैंने बहुत छोटे छोटे प्लांटर में लगाया। ये मेरे पास लाल सलाद है, ये आप देख रहे हैं बोतल का एक 1/3 हिस्सा है,
जिसमें इसने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। और ये केल सलाद है और इसने इसको भी मैंने बोतल के बहुत छोटे हिस्से में लगाया था, ये भी आप देख रहे हैं। बस इसका ये है कि आप इसको पानी के बिना ना रखें, सलाद को पानी की बहुत अच्छी ज़रूरत पड़ती है। तो कभी भी आप जब भी आप सलाद के पत्ते में पानी देते हैं तो आप पत्तों पे पानी मत दें, उनको थोड़ा सा ऐसे करके तब आप पानी दें। और अच्छी तरह से जब हमारे प्लांट्स भीग जाएँ तब उनको छोड़ना चाहिए, और ड्रेनिंग सिस्टम हमारा बहुत बढ़िया हो तब हमारे यहाँ ग्रोथ अच्छी होगी सलाद की। और इनको धूप में रखें, 6-7 घंटे की इनको धूप चाहिए। और आप ये देख रहे हैं कि सलाद पत्ते ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें कि मैं किसी और टॉपिक के साथ फिर आऊँगी आपके समक्ष। थैंक्स। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है, आप जरूर से वॉच करें और इन्जॉय करें इन फूलों का। थैंक्स।